मैं फिर से आ गया आपके लिए इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस वीडियो लेके। इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे सोलर सिस्टम के मार्स प्लैनेट और अर्थ के सनसेट के कलर अलग अलग क्यों होते। सबसे पहले बात करते हैं मंगल ग्रह यानी मार्स की। मार्स से सन की दूरी है 230.39 मिलियन किलोमीटर। मार्स पे एक दिन अर्थ के एक दिन 37 मिनट्स के बराबर है। मार्स पे एक साल अर्थ के 687 डेज के बराबर है। मार्स के पास दो मून है, एक का नाम है फोबोस, दूसरे का नाम है डेमोस। फोबोस का डायमीटर है 22,533 किलोमीटर। डेमोस का डायमीटर है 12.4 किलोमीटर। मार्स के एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसमें होता है 96% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.8% नाइट्रोजन और 2% ऑक्सीजन। अभी बात करते हैं मार्स के ऊपर सनराइज कैसा दिखता है। इस इमेज में देखिए कि मार्स पे सनराइज कैसा दिखता है, पूरा ब्लैक ब्लैक और हल्का सा वाइट दिखता है। अभी हम ये देखते हैं कि मार्स पे जब नून होता है मतलब दोपहर होती है तो कैसा दिखता है। आप इस इमेज में देखिए कि मार्स पे जब नून होता है मतलब दोपहर होती है तो कैसा दिखता है। अभी हम ये देखेंगे कि मार्स पे जब शाम होती है मतलब सनसेट होता है तो कैसा दिखता है। इस इमेज में देखिए कि जब मार्स पे शाम होती है मतलब सनसेट होता है तो किस तरह दिखता है। अभी हम ये देखेंगे कि जब मार्स पे रात हो जाती है तब कैसा दिखता है। आप इस इमेज में देखिए, जब रात हो जाती है तो मार्स के सरफेस से दो चांद दिखते हुए जो मैंने आपको बताया था, फोबोस डीमोस। ये बात हो गई मार्स की। अब अपनी अर्थ की तरफ चलते। अर्थ की सन से दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। एक छोटी सी मिस्ट्री बताता हूँ मैं आपको। अगर हम सन से लेके अर्थ की दूरी को सन के डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो रेशो आएगा 108। ये मिस्ट्री नहीं, अगर हम सेम इसी तरह धरती से चांद की दूरी को और चांद के डायमीटर को डिवाइड करेंगे तभी भी 108 ही आएगा। ये सब कैलकुलेशन किसने की, कैसे की, कब की, कुछ पता नहीं। ये आज तक एक मिस्ट्री बन चुकी है। ये सब बातें तो हो गए, अब बात करते हैं हमारी अर्थ की। तो अर्थ के पास हमारा नेचुरल सैटेलाइट हमारा मून। मून का डायमीटर है 3474 किलोमीटर। अभी बात करते हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की। अर्थ के एटमॉस्फेयर में होता है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन और 0.1% गैसेस। हमारे अर्थ की एटमॉस्फेयर की पांच लेयर है, आप इस इमेज में देख सकते। ट्रोपोस्फेयर लेयर में क्लाउड और एरोप्लेन होते हैं। आप इस इमेज में देख के समझ सकते हो कौन से एटमॉस्फेयर लेयर में कौन सी चीज़ें होती हैं। मार्स पे सनसेट ब्लू इसलिए दिखता है क्योंकि उसका जो क्लाइमेट है, टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर के ऊपर बहुत सारे पार्टिकल्स और डस्ट उड़ते हैं, इसलिए वो ब्लू कलर का दिखता है और वहाँ की मिट्टी भी अलग है। अभी बात करते हैं हमारे अर्थ पे रेड सनसेट क्यों दिखता है। सनसेट रेड इसलिए दिखता है क्योंकि जब थ्रू पोजीशन पे सन होता है ऊपर से अर्थ के एटमॉस्फेयर में गैसेस, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स और बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इसकी वजह से जो लाइट की वेवलेंथ होती है वो टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है, इसलिए वो रेड सनसेट दिखाई देता है। एक और छोटी सी मिस्ट्री, मैं बात कर रहा हूँ सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। इस इमेज में देखो, इसमें बताया है कि मार्स पे सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स कैसा दिखता है। ऐसा दिखता है कुछ हमारे जैसा ही, और हमारी अर्थ पे कुछ इस तरह से सूर्य ग्रहण दिखता है यानी सोलर एक्लिप्स। अभी हम आपको सुनाएंगे साउंड ऑफ मार्स, ध्यान से सुनो। अभी हम आपको सुनाएंगे हमारी धरती की आवाज।
वीडियो यहाँ तक दिखी तो पसंद तो आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।